हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे आर्टिस्ट किन्हें कहते हैं और ये भी जानते होंगे कि जरूरी नहीं कि हर आर्टिस्ट सिर्फ कैनवास पर ब्रश से पेंट कर अपनी कला को दिखाए। बहुत से आर्टिस्ट हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से अपनी कला को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनकी पेंटिंग स्टाइल कुछ डिफरेंट है। नंबर 10, मिगेल इंडारा। दोस्तों, हम और आप चेयर पे बैठ के अगर 1 से 2 घंटे कुछ लिखें या पढ़ें तो बोर हो जाते हैं और बहुत से लोगों की तो आंख कमर सब दर्द करने लगती है। लेकिन मिगेल इंडारा नाम के एक ऐसे शख्स भी हैं जो इंक पॉइंट के लाखों डॉट से पेंटिंग बनाते हैं और इस तरह से पेंटिंग बनाने के स्टाइल को पेंटलिज्म कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से पेंटिंग बनाना कोई आसान काम नहीं है। मिगेल को इस तरह से पेंटिंग बनाने के लिए काफी पेशेंस रखना पड़ता है और मिगेल को रोज करीब 7 से 8 घंटे चेयर पे बैठकर इंक पेन से डॉट्स बनाने पड़ते हैं पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। मिगेल इंडारा ने अपने कैरियर में बहुत सी पेंटिंग बनाई, लेकिन उनकी सबसे फेमस पेंटिंग हीरो है, जो उनके डैड की पेंटिंग है और इस पेंटिंग को बनाने में 210 घंटे का वक्त और बहुत सारा पेशेंस लगा था। और एक बात और, इस पेंटिंग को बनाने में 32 लाख डॉट्स बनाने पड़े थे। नंबर 9, लियांड्रो ग्रेनाटो। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियो देखी होंगी कि एक इंसान जो पानी या दूध अपनी नाक में डालकर अपनी आंखों से उसे वापस बाहर निकाल देता है, वैसे ही अर्जेंटीना के एक आर्टिस्ट लियांड्रो के साथ है। ये महाशय अपनी नाक के जरिए पेंट को अंदर लेके आंख से कैनवस पे पेंट करते हैं। लियांड्रो का ये आइडिया बहुत यूनिक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पागलपंती भी है। तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? लियांड्रो जब छोटे थे तो उन्हें अपने इस गिफ्ट के बारे में पता चला कि वो अपनी आंखों से लिक्विड को बाहर निकाल सकते हैं, और जब वो बड़े हुए तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि आंखों से पेंट करना कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआती दौर में उनका साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी आज वो अपनी मेहनत से सक्सेस हैं और उनकी कई पेंटिंग 1.5 से 2 लाख रुपए तक की भी बिकी है। नंबर 8, अलेक्जेंड्रे फाल्टो। अलेक्जेंड्रे फाल्टो अपने ओरिजिनल नाम से ज्यादा व्हील्स स्ट्रीट आर्टिस्ट के नाम से ज्यादा फेमस हैं, और ये लगभग स्ट्रीट स्प्रे आर्ट की तरह ही अपनी आर्ट बनाते हैं। बस जो मटेरियल अलेक्जेंडर यूज करते हैं वो सिर्फ किसी बिल्डिंग या घर को तोड़ने पर मिलता है, क्योंकि इनकी पेंटिंग बिल्डिंग के प्लास्टर में तोड़फोड़ करने पर बनती है। अलेक्जेंडर 15 से 20 साल पुराने घर या बिल्डिंग के दीवारों पर अपनी कला दिखाते हैं और इनका पेंटिंग करने का ये स्टाइल आज बहुत फेमस है। नंबर 7, ली होंगबो। ली होंगबो द्वारा बनाए गए स्कल्पचर को अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो म्यूजियम में रखे स्कल्पचर की तरह है, इसमें अलग क्या है? लेकिन जब आप इन्हें छुएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे ये क्या है, क्योंकि ली ने जो स्कल्पचर बनाए हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जिन्हें आप काफी हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं। इन स्कल्पचर को ली ऑर्डिनरी पेपर को एक के ऊपर एक रख कर उसमें ग्लू लगाकर किसी टेक्निक के जरिए बनाते हैं। नंबर 6, होंगी। मलाई आर्टिस्ट होंगी, जो रेड नाम से ज्यादा जानी जाती हैं, और उनका मकसद है कि लोग अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, इसीलिए वो अपनी हर पेंटिंग में हर बार नए मटेरियल का यूज करती हैं, जैसे पंख, बुक्स, फ्लावर, और यहाँ तक कि सॉक से भी वो पेंटिंग बना चुकी हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से पेंटिंग ब्रश ही एक ऐसी चीज है जिससे होंगी पेंटिंग बनाना पसंद नहीं करती, और हर बार वो अलग तरह की पेंटिंग से लोगों को हैरान कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2014 में सिर्फ चॉपस्टिक की मदद से होंगी ने जैकी चेन की पेंटिंग बनाई थी, और इस आर्ट वर्क को बनाने में 64,000 स्टिक्स का यूज किया गया था। और 2014 के फीफा वर्ल्ड कप से पहले होंगी ने फेमस फुटबॉलर नेमार, मेसी और रोनाल्डो की पेंटिंग सिर्फ एक फुटबॉल की मदद से बनाई थी। दोस्तों, टॉप 5 में जाने से पहले वीडियो के नीचे बने लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 5, जिम डेनेवन। अमेरिकन आर्टिस्ट जिम डेनेवन जब 20 साल पहले अपनी लाइफ से बोर होकर समुद्र किनारे घूम रहे थे तो उनके दिमाग में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया कि क्यों ना बीच के किनारे को ही एक कैनवस के रूप में पेंटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और फिर उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई, और उसके बाद से जिम इस काम को करने में बहुत डेडिकेटेड हो गए और अपनी कुक की जॉब को भी छोड़ दी, और कई देशों के बीच पे जाके जिम ने कई पेंटिंग्स बनाई। लेकिन ऐसी पेंटिंग्स बनाना जिम के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें ऐसी पेंटिंग्स बनाने के लिए रोज 50 किलोमीटर चलना पड़ता था। और 2009 में उन्होंने अपने कैरियर की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई, जिसमें जिम और जिम के 3 असिस्टेंट ने नेवाडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट में एक कैनवस बनाया, जिसमें इस कैनवस के सबसे बड़े सर्कल का डायमीटर 14.5 किलोमीटर था,
और ये पेंटिंग आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर से भी देखी जा सकती थी और इस पेंटिंग को बनाने में 15 दिन का समय लगा था। नंबर 4, सलावत फिदाई। रशियन आर्टिस्ट सलावत फिदाई पूरी दुनिया में तब फेमस हुए जब ये माइक्रो मिनिएचर्स बनाने लगे। ये आर्ट बहुत ही स्मॉल आर्ट है जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस आर्ट को बनाने के लिए सलावत माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि ये आर्ट पेंसिल की निब मतलब पेंसिल ग्रेफाइट पर सलावत करते हैं और इस तरह की आर्ट बनाने में सलावत को 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है और हर बार उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती क्योंकि ये आर्ट बहुत ही नाजुक है। दोस्तों, आज सलावत पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और उनकी बनाई हुई हर आर्ट की कीमत 30,000 रुपए से ज्यादा है। नंबर 3, चीहुतुत स्वामा। हमारी लिस्ट की थर्ड नंबर चीहुतुत स्वामा जिंदगी का मतलब जानती हैं और वो जानवरों के स्कल्पचर बनाती हैं, लेकिन वो इन प्रोटोटाइप को बनाने में सीमेंट या क्ले का यूज नहीं करती, बल्कि वो इन खूबसूरत स्कल्पचर को पुराने न्यूज़पेपर से बनाती हैं और आज तक उन्होंने 60 से भी ज्यादा स्कल्पचर बनाए हैं जिसमें राइनोसोरस, मंकी, रैबिट और टर्टल जैसे कई अलग अलग जानवर हैं। इनके इस यूनिक स्टाइल में इनके फादर का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके फादर की न्यूज़पेपर फैक्ट्री है। नंबर 2, डेबी स्मिथ। ब्रिटिश आर्टिस्ट डेबी कुछ बिल्कुल ही अलग तरह से फैब्रिक पे पेंटिंग करती हैं। डेबी पिन और धागे को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फैब्रिक पे सेट करके एक बहुत ही अनयूजुअल आर्ट बनाती हैं। डेबी ऐसी पेंटिंग्स को बनाने के लिए पहले व्हाइट फैब्रिक का यूज करती हैं, फिर उस पे सही तरीके से पिन को लगाती हैं और आखिरी में धागे का यूज करती हैं, जो आर्ट को फाइनल लुक देता है। नंबर 1, इयान कुक। हमारी लिस्ट के आखिरी आर्टिस्ट इयान कुक, जो कि एक ब्रिटिश पेंटर है। इयान कुक अपनी पेंटिंग में कभी ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते और न करेंगे, क्योंकि इयान अपनी सारी पेंटिंग में टॉय कार्स और बाइक का इस्तेमाल करते हैं और कुछ पेंटिंग को बनाने के लिए इयान ने ओरिजिनल कार्स का भी यूज किया है। इयान ने इस तरह से पेंटिंग बनाना 2007 में शुरू किया था और बहुत जल्दी इयान को सक्सेस भी मिल गई। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।